अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शोबीज नाउ। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूं सीनियर अदाकार नुमान एजाज के बारे में। ये अदाकार असल में कौन है, इनकी फैमिली में कौन कौन है, मुकम्मल बायोग्राफी आज की इस वीडियो में जाने वाले हैं। तो उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल शोबीज नाउ पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि शोबीज से आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। नुमान एजाज पाकिस्तान के शहर लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं। 14 फेब 1965 को लाहौर में पैदा हुए। इस वक्त इनकी उम्र तकरीबन 59 ईयर्स हो चुकी है। नुमान एजाज, जिन्होंने 90s के बहुत से ड्रामाज में काम किया, इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री सबा कमर के साथ बेहद पसंद की जाती है। नुमान एजाज एज अ एक्टर, एज अ टेलीविजन प्रेजेंटर और एंकर पर्सन के तौर पर भी नज़र आते हैं। इन्होंने 2017 में प्राइम टॉक शो जो आगाज़ किया था न्यू न्यूज़ पर, और उसके साथ साथ व्यूवर्स ये एक्टिंग में तो नज़र आते ही हैं। बात करते हैं व्यूवर्स यहाँ इनकी सबसे पहले फैमिली को लेकर, तो इनकी फैमिली में इनके वालिद एक बिजनेसमैन थे जबकि इनकी वालिदा हाउसवाइफ। और बात करते चले इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में, तो इनकी शादी रबिया नुमान के साथ हुई जो कि काफ़ी यंग और ख़ूबसूरत हैं। और साथ ही साथ व्यूवर्स इनके बेटे जाविया नुमान भी अदाकार हैं, और बाकी दो बेटे भी जो हैं इनके वो भी एज अ मॉडल काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये कैनेडा शिफ्ट हो चुके हैं जहाँ इनके बाकी बेटे जो हैं इनका बिजनेस संभाल रहे हैं। इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से लॉ की डिग्री हासिल की है, और उसके बाद 1988 में इन्होंने पहली बार ड्रामास में कदम रखा। और अब एज अ सीनियर आर्टिस्ट नज़र आते हैं ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी, ड्रामा माइडे, ड्रामा संगे मरमर, ड्रामा दोबारा। और व्यूअर्स, इससे पहले ये अदाकार जो हैं लीड रोल में भी काम करते रहे हैं, जैसे कि ड्रामा भाई, ड्रामा घमंड, और इसके साथ साथ व्यूअर्स ड्रामा और रंगरेजा, ड्रामा सात मुलाकातें इनके कुछ टॉप ड्रामास हैं जिनमें इन्होंने लीड रोल में ये नज़र आए थे। और इनकी एक्टिंग को हमेशा से बेहद पसंद किया जाता है। इनकी उम्र बेशक जितनी भी हो गई हो, आज भी इन्हें हीरो का रोल दिया जाए तो फैंस इन्हें इनके हीरो के रूप में बेहद पसंद करते हैं। इनकी हाइट 5'7", इनका हेयर आई कलर ब्राउन, इनकी कम्प्लेक्शन फेयर है, इनका फेवरेट कलर ब्लैक, इनकी फेवरेट डेस्टिनेशन पाकिस्तान, इनकी हॉबी ट्रैवल करना, राइटिंग करना है। तो व्यूअर्स, ये सीनियर अदाकार नुमान एजाज आपको कैसे लगते हैं, इनका कौन सा ड्रामा आपका फेवरेट है, कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और शोबीज से जुड़ी मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल शोबीज नाउ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह निगहबान।